हेलो बच्चों, आप सभी का YRS क्लास में स्वागत है। तो आइए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर एक सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर एक कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद इसका मूल भी ज्ञात करना। हमें सब आप याद रखना, अगर चर क्या है, x है, अचर संख्या क्या है, 3 है, 10 है, 2 है और माइनस 6 और यहाँ पर 1 मानते हैं। ठीक, तो यहाँ कह रहा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो यहाँ ये पूरा फॉर्म जो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है, जबकि ए का मान 1 दिया है, बी का मान माइनस 3, सी का मान दिया है माइनस 10। तो हम करते क्या हैं, जो अचर पद का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। अचर पद क्या 10 है, गुणांक गुणा करेंगे एक में तो 10 इकन्नम 10 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे सिंपल सी, यानी 10 का गुणा हम करते हैं एक में, 10 इकन्नम 10 हो जाएगा। अब 10 को हमें तोड़ना है दो भाग में, जिसे घटाने पे, अगर यहाँ ऋण का निशान होगा तो हम मध्य पद घटा देंगे, अगर यहाँ प्लस का निशान होगा तो मध्य पद जोड़ देते हैं। तो 10 इकन्नम 10 हुआ। 10 को हमें तोड़ना है दो भाग में, जिसे घटाने पे लाना है 3, घटाने पे क्या लाना है 3। तो हम ये कह सकते हैं 10 को तोड़ना है दो भाग में, गुणा करने पर वही संख्या में, लेकिन जब घटाएं तो क्या मिलना चाहिए हमें, 3 मिलना चाहिए। तो हम इसे मान सकते हैं 5 × 2, गुणा करने पर वही संख्या मिलनी चाहिए, लेकिन जब दोनों संख्या को घटाया जाए तब आपको 3 मिलना चाहिए। 3 मिला ना, 5 × 2 = 10, गुणा करने पर वही संख्या मिले, लेकिन जब दोनों संख्या को अंतर घटाया जाए तो आपको 3 मिलना चाहिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 − 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 का जो बाहर एक्स है ब्रेकेट के, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x = 5x माइनस ये है माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुणा करो एक्स में तो आपका 2x माइनस 10 बराबर 0 मिल गया। अब यहाँ से आपको बाएं पक्ष में 4 पद मिल गए। पहला पद एक्स स्क्वायर, दूसरा 5x, तीसरा है प्लस 2, तीसरा चौथा है माइनस 10x, माइनस 10 है। अब करेंगे क्या, हम दो दो पद का कॉमन लेंगे। ठीक, तो पहला पद इसमें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 भाई, इन दोनों में देखिए ऐसी कौन सी चर संख्या और अचर संख्या है जो दोनों पद में मिलता है। तो आप कहोगे सर पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 5, कुछ नहीं मिल रहा है ना, लेकिन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स है। अगर एक्स स्क्वायर हो एक्स हो, जो घात कम होगा वही हमेशा कॉमन लिया जाता है। घात इसकी 1 है, इसकी घात 2 है, कॉमन लेंगे केवल घात कम वाला मान। जब एक घात कॉमन लिया, दो घात में एक घात यहाँ बचा, माइनस एक्स कॉमन लिया, जो कॉमन ले लेते हैं वो संख्या ब्रेकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ बचा 5 प्लस, अब यहाँ देखिए एक्स इसमें है, एक्स 10 के साथ में नहीं है ना, लेकिन 2 और 10, 2 भी क्या है सम संख्या है, 10 भी क्या है सम संख्या है, 10 जो है 2 से कट जाता है। तो यानी दोनों क्या है, 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 और 10 दोनों संख्याएँ 2 से कट जाएंगी। तो यहाँ बचा ये एक्स, जब 10 में आप 2 से भाग करोगे भागफल आपको 5 मिलेगा। ठीक, जो संख्या ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसे लिखते हैं एक बार, यानी एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 2 बराबर हो गया 0। अब यहाँ क्या है, दोनों ब्रैकेट क्या है, 0 के इक्वल हैं, तो हम मानेंगे 0 के इक्वल, यानी एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 5 का पक्षांतर होता है प्लस 5। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर प्लस 2 का पक्षांतर माइनस 2। अगर चर की घात 2 होगा, 2 मान मिलेगा, 2 शून्य मिलेगा। अगर चर की घात 3 रहे, इसे एक्स क्यूब होता यहाँ से, तब आपको यहाँ पर 3 मान मिलता, यानी जितने चर की घात रहेंगे जितना, उतना ही मान आपको मिलता, यानी प्लस 5 और माइनस 2 आपका आंसर हुआ। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है पहले प्रश्न का, 2x² + x - 6 = 0। ठीक, बताया क्या, अचर संख्या का गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो हुआ यहाँ से 6 × 12 हो गया, क्या हुआ 12। अब हमें 12 को तोड़ना है दो भाग में, जिसे घटाने पे लाना है
वन, क्या लाना है वन। ऐसे भी मान सकते हैं छः दूनी बारह गुणा करने पर आपको बारह मिलेगा, लेकिन जब छः में हम दो घटाएंगे तब आपको यहाँ चार मिल गया, कि हमें लाना क्या एक, तो यानी ये आपका गलत हो गया। ठीक, तो अब हम बारह को लिख सकते हैं चार तियाई बारह, गुणा करने पर बारह मिला, लेकिन जब हम चार में तीन घटा देंगे तब आपको एक मिल जाएगा, यानी जो ऊपर छः गुणे दो है ये आपका परफेक्ट नहीं हुआ। जब बारह को तोड़े हम चार गुणे तीन में, चार तीन में बारह, जब चार में से तीन घटेगा तब आपको एक मिल गया, यानी इसका मध्य पद टूटा यहाँ से। टू एक्स स्क्वायर प्लस, इस वन को लिख सकते हैं फोर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ हुआ आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस, इस फोर का एक्स में मल्टीप्लाई करो फोर एक्स, माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करो एक्स में थ्री एक्स हुआ, माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मिल गया। अब चार पद हुए ना, चार पद का दो दो पद को हम कॉमन ले लेंगे। अब समझिए यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स में कॉमन क्या है, तो दो और चार दोनों सम संख्या हैं, दोनों दो से कट जाएंगे, दो आपको कॉमन मिला, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स यहाँ, तो एक्स कॉमन मिला आपको। जब दो कॉमन, दो लिखेंगे अंदर नहीं, एक्स घात दो एक्स भाग एक कॉमन लिए तो बचा केवल एक्स प्लस, जब चार में हम दो से भाग करेंगे आपको मिलेगा दो, एक्स कॉमन लिया अंदर लिखेंगे नहीं, माइनस छः और तीन दोनों संख्याएँ, दोनों संख्याएँ तीन से कट जाएंगे, तीन इकन्नम तीन, तीन दूनी छः, छः भी तीन से कटेगा, तीन खुद जो है एक से कट जाएगा, तीन का नम तीन एक बार पे, तीन कॉमन ले लो, यक्स बचा, माइनस ये है माइनस 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 प्लस हो गया यहाँ से, जब छः में आप तीन से भाग करोगे आ जाएगा दो बराबर, यानी कॉमन ऐसा लेना है ताकि दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आनी चाहिए, अगर सेम संख्या नहीं आ रहा ब्रैकेट के अंदर तो समझ लेना कि आप यहाँ से मध्य पद गलत तोड़े हो। अब जो संख्या ब्रैकेट में दो बार लिखा है इसे लिखें केवल एक बार, एक्स प्लस टू नेक्स्ट ब्रैकेट में हुआ टू एक्स माइनस तीन बराबर ज़ीरो। अब यहाँ देखें हम ब्रैकेट में हैं दोनों पद किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के बराबर हैं, दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, यानी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स बराबर प्लस दो का पक्षांतर माइनस दो, आपका आंसर मिला। अगला हुआ टू एक्स माइनस तीन बराबर ज़ीरो, टू एक्स बराबर माइनस तीन का पक्षांतर हो गया प्लस तीन, तो एक्स बराबर दो गुड़े में है तो आ जाएगा तीन बटे दो, आपका ये आंसर हो गया। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर ज़ीरो, कह रहा है इसका गुणनखंड कीजिए और इसका मूल भी ज्ञात करना, यानी इसका हमें मध्य पद तोड़ना है और इसका मान भी पूछ रहा है, यक्ष का मान क्या क्या होगा। तो यहाँ तीसरा दिया है रूट टू यक्ष स्क्वायर प्लस सेवन यक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर ज़ीरो, क्या गुणनखंड करना है, हम करते क्या हैं, जो फाइव रूट टू है ये इसका गुणा करते हैं यक्ष स्क्वायर के गुणांक में, गुणांक स्क्वायर का है रूट टू है, तो हम करेंगे क्या यहाँ से, ये आपका फाइव रूट टू है, मल्टीप्लाई करना है रूट टू से ना, तो यहाँ लिखेंगे फाइव, हमेशा याद रखना जब दो अपर में संख्या सेम टू सेम लिखे होंगे तो उनका केवल एक ही बार लिखा जाता है, रूट टू रूट टू केवल दो होता है। ठीक, पाँच दूनी दस, यानी जब हम फाइव रूट टू में हम रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब आपको दस मिलता है। अब दस को हमें तोड़ना है दो भाग में, दो पार्ट में, जिसे जोड़ने पे लाना है सात, तो इसे लिख सकते हैं पाँच दूनी दस, गुणा करने पर वही अंक मिला, संख्या मिला, किन जब दोनों को हम जोड़ते हैं पाँच प्लस दो आ जाता है सात, यानी इसका मध्य पद यहाँ से मिला रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकते हैं फाइव प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस पाँच का गुणा करेंगे एक्स में तो आपको मिला पाँच एक्स प्लस दो, गुणा करो एक्स में दो एक्स प्लस पाँच रूट टू बराबर ज़ीरो, या करके इसे हम लिख सकते हैं रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स, इस दो को लिख सकते हैं रूट टू गुड़े रूट टू एक्स प्लस
फाइव रूट टू बराबर ज़ीरो। इसको मैं इसलिए किया ताकि आपको कॉमन मिल जाए। अब यहाँ देखिए चार पद हैं, दो दो पद का हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए रूट टू इसमें है, रूट टू पाँच के साथ में नहीं है, तो रूट टू कॉमन होगा नहीं। एक्स स्क्वायर पहले पद में, एक्स दूसरे पद में है, कॉमन लेंगे केवल एक्स। बचा है यहाँ से रूट टू एक्स प्लस पाँच। रूट टू पहले पद में है, रूट टू दूसरे पद में है, तो रूट टू आपको कॉमन हो गया। यहाँ से बचा यहाँ से रूट टू, दो बार है, एक बार कॉमन, एक अभी बचा रहेगा। रूट टू एक्स प्लस पाँच बराबर ज़ीरो। जो संख्या ब्रैकेट के अंदर है उसे लिखें केवल एक बार। तो यहाँ रूट टू एक्स प्लस पाँच, एक्स प्लस रूट टू बराबर ज़ीरो। अब यहाँ दो ब्रैकेट में हैं, दोनों किसके बराबर हैं, ज़ीरो के बराबर हैं। तो रूट टू एक्स प्लस पाँच बराबर ज़ीरो। रूट टू एक्स बराबर प्लस पाँच का पक्षांतर होता है माइनस पाँच, तो एक्स बराबर माइनस पाँच बटे रूट टू, ये आपका पहला मूल आया। दूसरा है एक्स प्लस रूट टू बराबर ज़ीरो, तो एक्स बराबर प्लस रूट टू का पक्षांतर माइनस रूट टू, ये भी आपका दूसरा मूल आया। तो बच्चों देखिए यहाँ से जो एक्स स्क्वायर घात दो है ना, अगर घात दो रहेगा तब इसके कितने मूल निकलते हैं, दो मूल निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चार सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर चार कह रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आठ प्लस वन अपान आठ बराबर ज़ीरो कह रहा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसको हमें पहले हल करना है, हल करने के बाद गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद कह रहा है इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे आठ दूनी सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स कन्नम आठ एक्स प्लस, अब एक के नीचे आठ है ना, तो एक में हम आठ से गुणा नहीं करेंगे जिसके नीचे होता है, बराबर यहाँ से हुआ ज़ीरो। ज़ीरो को अपान वन मान लीजिएगा और तिरछा गुणा कर दीजिएगा, यानी सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस वन का गुणा करेंगे एक में, आठ का गुणा करेंगे ज़ीरो में। तो ये आपको मिला यहाँ से सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस वन। जब हम आठ में ज़ीरो से गुणा करते हैं तो आपको ज़ीरो की प्राप्ति होती है। अब करेंगे क्या, एक का गुणा करो सोलह में, सोलह इकन्नम सोलह मिल गया ना यहाँ से। अब हमें 16 को तोड़ना है दो भाग में, जिसे जोड़ने पे 8 लाना है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 8 दूनी 16, जब 8 में हम 2 जोड़ेंगे आपको 10 मिला ना, हमें लाना क्या है 8 ना, तो यानी ये आपका गलत हो गया। अब इसे लिख सकते हैं 4 चौ 16, जब 4 में हम 4 गुणा करेंगे आपको 16 मिलेगा, लेकिन जब 4 में हम 4 को जोड़ेंगे तब आपको 8 मिलेगा। और इसे लिख सकते हैं सोलह एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ। सोलह एक्स स्क्वायर माइनस चार गुड़े एक्स आपको चार एक्स, माइनस प्लस का माइनस चार गुड़े एक्स चार एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो मिला। ठीक, अब करें क्या, हम दो दो पद का कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से चार एक्स आपको कॉमन मिला, जब सोलह में आप चार से भाग करोगे भागफल चार आपको मिलेगा, जब एक्स स्क्वायर में से भाग तो आपको केवल एक्स मिला माइनस केवल वन, क्योंकि फोर एक्स पूरा कॉमन लिए हैं, जहाँ पूरा कॉमन ले लेते हैं वहाँ पर वन की प्राप्ति होती है। माइनस वन कॉमन लो, कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पर फोर एक्स माइनस कॉमन लिए हैं, तो माइनस प्लस का माइनस वन बराबर आपको मिला ज़ीरो। जब ब्रैकेट में सेम संख्या लिखा हो तब इसे लिखते हैं केवल एक बार लिखते हैं, फोर एक्स माइनस वन नेफ्ट ब्रैकेट में फोर एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो। अब दोनों मान ज़ीरो के बराबर कर दे रहे हैं, आपको मान निकालें यहाँ से हम, फोर एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो फोर एक्स बराबर माइनस एक का पक्षांतर प्लस होता है, तो एक्स बराबर एक बटे चार, आपका आंसर मिला। ठीक, दूसरा है सेम टू सेम ऐसे है, फोर एक्स माइनस एक बराबर ज़ीरो, तो फोर एक्स बराबर एक, तो एक्स बराबर एक बटे चार, ये आपके दो मूल हुए। तो बच्चों प्रश्न नंबर पाँच कह रहा है सौ एक्स स्क्वायर माइनस बीस एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो का मध्य पद तोड़ना, गुणनखंड करना है, और करने के बाद हमें इसका मान भी निकालना है। तो हम करते क्या हैं, अचर पद क्या है एक है, इसका मल्टीप्लाई इसका गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में। गुणांक क्या है, सौ है, तो सौ गुणा करें एक में, तो सौ इकन्नम सौ मिला ना। अब हमें सौ को दो भाग में तोड़ना है, जिसे
जोड़ने पे लाना है 20, ठीक, जोड़ने पे क्या लाना है 20, इसे लिख सकते हैं या करके हम 20 पंचे 100, गुणा करने पर वही मिला ना 100, किन जब हम 20 में हम 5 जोड़ते हैं क्या हमें 25 प्राप्त, यहाँ 20 प्राप्त होगा नहीं, 20 में से जब 5 जोड़ेगा आपको 25 मिला ना, तो यानी ये कथन आपका गलत है। तो अब हम इस 100 को लिख सकते हैं 10 × 10 = 100, किन जब हम 10 में 10 जोड़ते हैं तब आपको 20 मिलना चाहिए, 20 मिला ना, तो इसका गुणनखंड यहाँ से होगा 100x² - 10 + 10x + 1 = 0, 100x² - फिर इसे एक बार लिख दो, लिख दिए हैं तो x + 1 = 0, तो 100x² 10 गुणा करो x में 10x हुआ, माइनस प्लस का माइनस 10x हुआ, प्लस 1 = 0, दो दो पद का हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 10 और 100 दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों 2 से कटेंगे अर्थात 10 कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक, जब 100 में आप 10 से भाग करोगे तो आपको यहाँ से 10 मिला, यक्स भी कॉमन ले लो तो यहाँ केवल यक्स मिला, माइनस 1 माइनस 10 इसमें है 10 उसमें नहीं, यक्स 1 के साथ में नहीं है लेकिन यक्स 10 के साथ में है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन लो, बस केवल 10x - +1 = 0, जो संख्या ब्रैकेट में है इसे लिखेंगे एक बार 10x - 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 10x - 1 = 0, दोनों मान किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, 10x - 1 = 0, 10x - 1 का पक्षांतर प्लस 1, तो x = 1/10, ये आपका आंसर हो गया। अब फिर कह रहा है 10x - 1 = 0, 10x = 1, तो x = 1/10, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। अगर इसका पहले वीडियो आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख लें।